हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी एग्ज़ाम की जो डेट आ गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब इसके एग्ज़ाम है, कब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में जो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी उसकी डेट रखी गई है 9 सितंबर, यानी कि आज से 4 दिन बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 9 अक्टूबर, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। कोशिश करिएगा कि आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि एंड मोमेंट पे साइट बहुत बिजी हो जाती है और प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है अपने फॉर्म को फिल करने में। फिर आता है फी पेमेंट। फी पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी हमारी 9 अक्टूबर ही है। और ऑनलाइन जो इसका एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो रखी गई है 2 से 6 दिसंबर। आपने देखा फ्रेंड्स, प्रीवियस से इस बार एग्ज़ाम डेट्स जो रखी गई हैं वो बहुत पहले रखी गई हैं, यानी कि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे वो आपके दिसंबर के लास्ट वीक तक होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो रखी गई है डेट वो 2 से 6 रखी गई है। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 11 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर को आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। और जो रिजल्ट की डेट रखी गई है वो रखी गई है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को आपको आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रखी गई है 800 रुपये, ओबीसी के लिए 400, और एससी एसटी और पीएच के स्टूडेंट्स के लिए 200 फीस रखी गई है। ये आप फीस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को फिल करने की। तो फ्रेंड्स, इसको फिल करने के लिए आप पास होने चाहिए या फिर आप अपीयर्ड होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 55% होने चाहिए। जो भी आपकी कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसमें आप 55% आपके होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज लिमिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, अगर जेआरएफ के लिए आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए 30 ईयर यहाँ पे रखी गई है एज, और नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपके लिए एज होनी चाहिए 30 से ज़्यादा के लिए आप जेआरएफ के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, आप सिर्फ नेट के लिए फिल कर सकते हो। हैं, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।